बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में एक और एजाज़ हासिल कर लिया और ये एजाज़ हासिल करने वाले तीसरे पाकिस्तानी बन गए। बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल मैचेस की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। बाबर आजम ने गुज़िश्ता रोज़ कज़ाफ़ी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलते हुए अपने T20 इंटरनेशनल कैरियर का 100वां मैच खेला। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ दिए गए घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि आपको क्रिकेट की अपडेट्स बरवक्त मिलती रहे। बाबर आजम ये एजाज़ हासिल करने वाले पाकिस्तान के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इनसे पहले शुएब मलिक 123 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, जबकि मोहम्मद हफीज 119 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। अब जबकि तीसरे नंबर पर बाबर आजम ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में अपने 100वां मैच खेला है। इसके अलावा बाबर आजम दुनिया के उन 20 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 100 मैच खेले हैं। बाबर आजम राइट हैंडेड बैट्समैन हैं जो अब तक 3,355 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 सेंचुरियां भी शामिल हैं। मगर बाबर आजम अपने 100वें मैच जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया, उसको यादगार नहीं बना सके। इस मैच में बाबर आजम ने सिर्फ 9 रन बनाए हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता दिनों अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में शादाब खान ने 100 T20 इंटरनेशनल विकटें लेने का एजाज़ भी हासिल किया है। वो ये एजाज़ हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर हैं। इनसे पहले कोई भी पाकिस्तानी बॉलर ये एजाज़ हासिल नहीं कर सका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कप्तान बाबर आजम और शादाब खान को इस एजाज़ के एतराफ़ में कौमी टीम की खसूसी जर्सी का तोहफा भी दिया गया।